Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragya, and in today's video I'm going to share with you the review of this beautiful bronzer by Wet n Wild. So if you guys are interested to know all the details about this product and how I like it or not and whether I will recommend you to buy this or not, then please keep on watching this video till the end, and without any further delay, let's quickly jump into the video. Nowadays there is a huge variety of makeup products in every category, whether it comes to foundation or eyeshadows or makeup primers or fixers or anything, you name it and they have it. But I think that when it comes to bronzers or contouring products, then there is a little bit less option in Indian market especially. तो गाइज, आप जब एक्सपेंसिव ब्रांड्स में चेकआउट करोगे ना, तो आपको ब्रॉन्जर या कंट्रोलिंग प्रोडक्ट्स मिल जाता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स इन ब्रॉन्जर्स और कंट्रोल्स, देन देयर इज अ लिटिल बिट लेस ऑप्शंस एज आई फील. तो मैंने ये वाला प्रोडक्ट लिया था अमेजन से. तो ये रिटेल करता है 650 रुपीज़ का, और ये है वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्रॉन्जर इन द शेड व्हाट शेडी बीचेस, एंड द शेड इज़ रियली नाइस फॉर माय स्किन टोन. और इसमें चार शेड्स अवेलेबल है, तो इंडियन स्किन टोन के लिए उसमें से जो चार शेड्स है, तो आपको एक ना एक शेड तो आपके स्किन टोन मैच के मिल ही जाएगा. तो मेरे लिए ये मुझे सही लगा, तो ये मैंने लिया और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मेरे स्किन पे. तो आज मैंने अप्लाई किया है, आप देख सकते हो. तो जब मैं ढूंढती हूँ ना ये ब्रॉन्जर या फिर कंटूर मेरे शेड के हिसाब से, तो मुझे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलता. तो मैंने वेट एंड वाइल्ड का ये वाला प्रोडक्ट ट्राई किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो मुझे लगा कि मुझे इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए, ताकि आप लोगों को भी एक अच्छा ब्रॉन्जर ढूंढने में आसानी हो, जो कि इंडियन स्किन टोन के हिसाब से सही हो और प्राइस भी अच्छा खासा, मतलब अफोर्डेबल हो, इन बजट हो. तो ये 650 का डिटेल करता है, लेकिन मैंने अमेजन से जब ये लिया था तो ये 459 का मुझे पड़ा था, या फिर 449 का पड़ा था आई गेस. तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था, बिकॉज 700 रुपीज़ फॉर अ ब्रॉन्जर इज स्लाइटली एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी. लेकिन अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपका बजट है, तो आप ले सकते हो. लेकिन मुझे स्लाइटली एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन अगर डिस्काउंट में मिल जाता है देन वाई नॉट गाइस. तो मुझे ये डिस्काउंट में मिल गया. नायका में ये कभी भी डिस्काउंट में नहीं मिलता है. मैंने बहुत दिनों से ये खरीदने के लिए सोचा था, लेकिन डिस्काउंट में मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली अमेजन पे मुझे ये डिस्काउंट में मिल गया है. लेकिन गाइस, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जब रिसीव हुआ था ना, ये पूरा का पूरा टूटा हुआ रिसीव हुआ था. तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको फिक्स किया है, और मैंने इसे कैसे फिक्स किया है उसका वीडियो आने वाला है कुछ दिनों में, तो आप ज़रूर उसको देखना. और अगर इससे पहले आ जाता है तो मैं आई बटन भी अटैच कर दूंगी, तो आप ज़रूर जाके देखना कि मैंने ये इसको कैसे फिक्स किया है. तो आप देख सकते हो कि ये पूरा भी ठीक है, यूज़ करने लायक है, और कुछ दिनों बाद इसका जो लिड है, जो कवर है, वो भी टूट गया था. अब देख सकते हो कि मैंने सेलो टेप से इसे अटैच किया हुआ है, क्योंकि इसे ऐसे खुला तो नहीं रख सकती. तो काम चल जाता है, लेकिन इसका हालत ऐसा ही है, लेकिन मैं फिर भी चला रही हूँ, क्योंकि गाइस मुझे डिस्काउंट में मिला है, लेकिन ये 700 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. हाँ, इसका रिफंड भी मुझे मिल गया था अमेजन से, विच इज़ ग्रेट, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि इसको वेस्ट करूँ. तो मैंने इसको फिक्स कर लिया, और मैं बहुत दिनों से इसको यूज़ भी कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि रिव्यू शेयर करती हूँ. और इसमें गाइस कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी नहीं है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस प्रोडक्ट. तो अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो, तो दिस इज़ फॉर यू गाइस. और मैं आपको इसका शेड अपने फिंगर में लेके स्वच करके दिखाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा शो करेगा. लेकिन जब मैं इसको फेस पे लगाती हूँ ब्रश से और ब्लेंड करती हूँ, तो अच्छे से कंट्रोलिंग का काम कर देता है. तो गाइस, आई डोंट नो कि कैमरा कितना इसका पिगमेंटेशन पिक कर रहा है, लेकिन इसका पिगमेंटेशन जो है अच्छा खासा है, अब देख सकते हो. और ये मैट ब्रॉन्जर नहीं है, लेट मी टेल यू, ये एक शाइनी, मतलब शिमरी ब्रॉन्जर है, लेकिन जो शिमर पार्टिकल्स है वो ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, बहुत ही हल्का सा शिमर पार्टिकल्स आपको मिलेगा, लेकिन कम्प्लीटली मैट नहीं है. तो गाइज, अगर आप ये प्रोडक्ट ब्रॉन्जर के लिए नहीं ला चाहते हो, तब तो आप ले ही सकते हो, लेकिन ये अच्छे से आपके फेस को कंट्रोल भी करेगा,
और मैं पर्सनली अपने फेस पे ब्रॉन्जिंग नहीं करती हूँ, तो मैं कंट्रोलिंग करती हूँ विच आई रियली लाइक एंड फील दैट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन योर मेकअप रूटीन। तो मैंने कंट्रोलिंग के लिए इसको खरीदा था और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आप डेफिनेटली इसको एक बार परचेस करके देख सकते हो कि आपको कैसा लगा है। और अगर आपके पास कोई अच्छा कंट्रोलिंग या ब्रॉन्जिंग का प्रोडक्ट है जो मेरे स्किन टोन पे चल जाएगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइज। आई एम रियली सर्चिंग फॉर अ गुड एंड अफोर्डेबल कंटूर और ब्रॉन्जिंग प्रोडक्ट्स। और गाइज, आप कंट्रोलिंग के लिए ऐसा कुछ ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, ये भी वेट एंड वाइल्ड का है। तो मेरे पास और भी कंट्रोलिंग का ब्रशेज है लेकिन मैं ये दिखा रही हूँ क्योंकि ये वेट एंड वाइल्ड का ही है और आज मैंने इससे ही किया है, तो आई थिंक दैट आई शुड शो यू। तो ऐसा कुछ कंट्रोलिंग का ब्रश अगर आपके पास हो तो आपके कंट्रोलिंग प्रोसेस और भी सुंदर से निकल कर आएगा। तो गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ बिग फैट थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी एंड क्लिक दैट बेल नोटिफिकेशन बटन नेक्स्ट टू इट, सो व्हेनेवर आई अपलोड सच वीडियोज यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो वट यू थिंक ऑफ माई वीडियोज एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर देम ऑल्सो। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स, द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। Bye bye guys.